वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं 18 अप्रैल से बीए प्रोग्राम के सभी स्टूडेंट्स के असेसमेंट होने हैं। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न उठने शुरू हो चुके हैं कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, क्या ये जो असेसमेंट है हमें ऑफलाइन मोड में देना है या ऑनलाइन मोड में देना है। अगर हमें ऑफलाइन मोड में देना है तो हमारे सेंटर्स अब तक अलॉट क्यों नहीं किए गए, और ऑनलाइन मोड में कैसे दे क्योंकि डैशबोर्ड में लॉगिन कर नहीं पा रहे क्योंकि उनका रोल नंबर और बारकोड जो है वो इनवैलिड बताया जा रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां हैं जो एक स्टूडेंट को, जो बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट है, उसे अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट फेज ऑफ दिस असेसमेंट था, मतलब कि जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स या इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, जितने भी स्टूडेंट्स ने असेसमेंट दिया है पहले, तो उन्होंने कौन सी गलतियां दोहराई थी जिसके कारण SOL को सेकंड फेज लाना पड़ा असेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम उन सभी बातों की चर्चा डिटेल में करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस के साथ साथ आपको डिटेल में आपका जो सिलेबस है वो भी कवर करवाया जाएगा। और आगे हम ये भी जानेंगे कि कौन सी लिंक से हमें जो असेसमेंट है वो देना है। अगर ऑनलाइन मोड में मान लीजिएगा हमें ये असेसमेंट सबमिट करना है तो किस तरीके से और कौन सी लिंक इसके लिए बनाई गई है DUSOL के द्वारा, तो उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहली बात तो देख लीजिएगा कि आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे असेसमेंट में। 35 के 35 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ फॉर्म में होंगे। आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। फॉर एन एग्जांपल, ये जो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा स्क्रीनशॉट्स जो भेजे गए थे वो है। तो देखिएगा इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन ऑनलाइन मोड में होंगे। आपको एक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, उस लिंक से ही आपको ये असेसमेंट देने हैं। SOL की जो ऑफिशियल लिंक है वहाँ पर आपको ये असेसमेंट देने का मौका नहीं मिलेगा। जो असेसमेंट के लिए अलग से लिंक भेजी गई है या बनाई गई है DUSOL द्वारा, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब के, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं आपको डिटेल के साथ सब कुछ सेंड कर दूंगा। सो अब देखिएगा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, द आर्टिकल पॉवर्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थियरी वॉज रिटन बाय, कि लेख अर्थात आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं या फिर लेख भारतीय राजनीतिक सिद्धांत की गरीबी किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका आंसर देख लीजिएगा भीखू पारेख है। अब जब यहाँ पर आप भीखू पारेख पर क्लिक करेंगे तो ये रेड रेड सा हो जाएगा ये बॉक्स। ओके, देन यहाँ पर जो मिस्टेक्स की थी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ने, इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स ने, इकोनॉमिक ऑनर्स के स्टूडेंट्स ने, क्योंकि उनको भी कोई आइडिया नहीं था बिफोर टेकिंग दैट असेसमेंट। असेसमेंट देने से पहले कोई आइडिया नहीं था क्योंकि कभी दिए नहीं थे ये असेसमेंट। तो उन्होंने क्या किया, आंसर को क्लिक कर दिया, देन वो आगे बढ़ चले अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट दबा दिया। बट ये सबसे बड़ी गलती कर दी उन्होंने। किस तरीके से, क्योंकि जब वो नेक्स्ट कर चुके थे लाइक क्वेश्चन, तो उन्होंने क्लिक कर दिया था आंसर क्वेश्चन का, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने स्किप कर दिया इस क्वेश्चन को। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लिक कर उन्हें पहले इसका आंसर सेव करना था कि भाई मैंने इस आंसर को चूज़ किया है और मेरा आंसर लॉक कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से उन्होंने अपने आंसर को लॉक नहीं किया था। तो वो गलती हुई थी, बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चों ने ये गलती की थी और उसको भी SOL ने देखा, एंड देन सेकेंड फेज आया था और SOL की भी गलती थी, ग्लिचेज आए थे बहुत सारे, तो उन सभी को सुधारने के लिए सेकेंड फेज ऑफ असेसमेंट लाया गया। सो अब आपको यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की गलती वो नहीं दोहरानी है। ओके, सो देखिएगा एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे, चार आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, MCQ फॉर्म्स में है। अगर आप किसी आंसर को क्लिक करते हैं देन आपको उस आंसर को सेव करना है अर्थात लॉक करना है, देन आपको नेक्स्ट करना है, तब जाकर आप अगले क्वेश्चन पर पहुंचिएगा। एंड अब हम देखते हैं कि कौन सी लिंक पर हमें जाकर हमें ये असेसमेंट देना है। ओके, सो आइए देखते हैं।
देखिएगा, आपको यहाँ पर अपना गूगल जो है वो ओपन करना है, देन आपको सर्च करना है SOL असेसमेंट। ज़्यादा कुछ सर्च नहीं करना, SOL असेसमेंट पर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरीके की आपको लिंक दिखाई देगी, वहाँ पर क्लिक करना है उस लिंक पर। एंड आपको इस तरीके का प्रीफेस दिखेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, बार कोड एंड ये कुछ ऐड नंबर्स होंगे जो आपको बताए जाएंगे। 1+2 3 है तो वो 3 लिखकर आपको लॉग इन करना है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो सब आपको यहीं पर दिखाए जाएंगे। आपकी असेसमेंट की डेट शीट भी यहीं पर होगी, तो आप एक बार यहाँ पर आकर के लॉग इन करके ट्राई कर लीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।